उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए लगातार जो है अभियान चल रहा है। 22 जून 28 जून को जो अभियान हुआ उसको देखते हुए अब जो है तीसरा जो यहाँ पर अभियान करेंगे अभ्यर्थी वो आपका यहाँ पर 5 जुलाई को होगा। अब ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसके लिए जो आयोग से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने संकेत क्या दिए हैं इस भर्ती के संबंध में कि ये जो भर्ती है आपकी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती ये कब होगी और कैसे होगी और किस प्रक्रिया के तहत आपकी होगी। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट जानकारी देना चाहूँगा कि भर्ती के लिए आयोग ने कहा है, बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा है कि पहले आपकी यूपी टीईटी की परीक्षा होगी। यूपी टीईटी के संबंध में मैं आपको जानकारी दे दूं कि यूपी टीईटी की परीक्षा आपकी 2020 में नहीं हो पाई थी और 2021 में भी परीक्षा पर जो है कोरोना का संकट छा गया। अब जो इसके नोटिफिकेशन के लिए आयोग जो है यहाँ पर तैयारी कर रहा है और इसको जो है आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। शासन की मंजूरी मिलती है यदि इसको तो इस पर जो निर्णय होगा वो आपका देखिएगा 7 जुलाई को होगा। 7 जुलाई को यदि शासन की मंजूरी मिलती है तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो देखिएगा इसके 8 से 10 दिन बाद आपको मिल जाएगा। ये मान करके चलिएगा कि 15 से 18 जुलाई के बीच इसका नोटिफिकेशन जो है आयोग जारी करेगा। उसमें महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए होंगी कि आपके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो कब से कब तक भरे जाएंगे, आपका एग्जाम्स कब होगा और इसका जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस हो जाएगा। तो फिलहाल जो है यदि शासन की मंजूरी मिलती है 7 जुलाई को तो फिर जो है आयोग इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही दे देगा। संभावना यही है क्योंकि अभी जो है इस स्थिति से उभरा है देश तो हो सकता है कि शासन जहाँ तक संभावना है कि इसको मंजूरी दे दी जाए और ये जो आपका एग्जाम्स है उसके लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाए। उसके बाद आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के भी खबर है कि आयोग ने क्या तैयारी की है और क्या संभावना परीक्षा के तय समय पर होने की है। तो यहाँ यूपी टेट के संबंध में मैंने आपको जानकारी दे दी, यदि ये परीक्षा आपकी यहाँ से इस तारीख पर तय समय से आपके फॉर्म निकल जाते हैं तो ये मान करके चलिएगा कि 15 अगस्त के आसपास तक आपके जो है फॉर्म कंप्लीट भर जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है आयोग सितंबर में इसकी परीक्षा लेने की तैयारी कर सकता है। उसके 15 से 20 दिन बाद आपकी परीक्षा के लिए जो है आयोग पहले आपका सेंटरों को प्रस्ताव भेजेगा। यदि सेंटर उनको मिल जाते हैं किसी फिक्स डेट में तो आपके लिए परीक्षा की जो आपकी एडमिट कार्ड वगैरह की प्रक्रिया है वो लागू करता है। तो यदि इस तरीके से शेड्यूल जारी रहा तो सितंबर माह में आपका यहाँ पर 2021 में ये आपका हो जाएगा यूपी टीईटी। और इसको देखते हुए आयोग ने कहा है कि यूपी टीईटी के तुरंत बाद ये जो भर्ती की प्रक्रिया है ये अमल में लाई जाएगी। तो सितंबर के बाद आपका अक्टूबर आता है और अक्टूबर में ये जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती है ये आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर यदि बात की जाए इसकी संभावना यह ज़्यादा बन जाती है क्योंकि यहाँ पर छात्र लगातार अभियान कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि छात्र एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। जो यहाँ पर आपका डिप्लोमा वाले मोर्चा है जिसको BTC कहा जाता है या एक आपका BEd वाले अभ्यर्थी हैं, दोनों के गुट जो हैं यहाँ पर अलग अलग आपके बने हुए हैं। तो यहाँ सहयोग के लिए आपस में इन दोनों गुटों को मिलना चाहिए। DLED वाले विद्यार्थियों के BTC वालों के मांग अलग हैं, वो चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कि PRT की भर्ती जो निकले उसमें केवल ये ही अप्लाई करें। वहीं BEd वालों अभ्यर्थियों की मांग है कि आप इसकी भर्ती जल्द निकालिए और सभी को इसमें शामिल किया जाए। तो जब आप एकजुट नहीं हो पाओगे तो इसके लिए जो अभियान है वो आपका सफल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को एकत्रित होकर के इस भर्ती को निकलवाना चाहिए, बाकी सभी को मौका मिलेगा क्योंकि पद काफ़ी ज़्यादा हैं और पहले भी इससे 2-3 भर्ती आपकी हो चुकी हैं प्राइमरी टीचर्स की। तो यदि यहाँ से ये बात टल जाती है और इलेक्शन हो जाता है, भर्ती नहीं निकलती है किसी कारण से, तो आपकी मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि 3 से 4 साल बाद भी आपको भर्ती
देखने को मिलेगी। तब तक जो है आप इसका वेट करते रहना, तो बेहतरी यही होगी कि अपने आपसी विवादों को सुलझाते हुए एकजुट होकर के जो भी कुछ प्रदर्शन करना है वो कीजिएगा। यदि आप कुछ ना कुछ करोगे, प्रकाश में मामला आएगा, इलेक्शन है आपके, तो निश्चित ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और परिणाम आपके लिए जो है यहाँ पर अच्छे रहेंगे। शासन को जो है यूपी टेट का प्रस्ताव भेजा जा चुका है आयोग की ओर से, जैसा कि मैंने बताया, उसका निर्णय जो है 7 जुलाई को हो जाएगा। जो भी कुछ होगा वो आपके लिए यहाँ पर बताया जाएगा। अब ये जो भर्ती की प्रक्रिया है ये क्यों रुकी हुई है, इसके लिए भी मैंने आपको रीजन दे दिया है, क्योंकि यूपी टीईटी आपका 2 वर्ष से नहीं हो पाया, तो योग्य अभ्यर्थियों की पहले से ही मांग है और आयोग भी यही चाहता है कि जिन लोगों के लिए ये जो भर्ती की प्रक्रिया है 2019 के बाद के 20 और 21 के जो छात्र हैं सभी को इसमें मौका मिल जाए और सभी को जो है ये भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिले और अच्छे योग्य शिक्षक मिल सके। तो यहाँ से ये 3 वर्षों के रुके हुए छात्र अपना पहले यूपी टेट देंगे, उसके क्लियर होने के बाद ही ये भर्ती आपकी हो पाएगी। यूपी टीजीटी पीजीटी के संबंध में आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि यूपी टीजीटी पीजीटी के संबंध में आपका जो आयोग है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, वो अब यहाँ पर जुलाई के मध्य में आपको जो है सूचना कर देगा कि ये परीक्षा आपकी तय समय पर हो पाएगी या नहीं। उन्होंने कहा है कि आयोग के हवाले से जो खबर है कि जुलाई के आपके जो प्रथम सप्ताह है उसमें जो है सेंटरों से अनुमति मांगी जाएगी, यानी कि जो आपकी तय उन्होंने डेट दी है वो 7 और 8 अगस्त है और टीजीटी पीजीटी के लिए 15 से 16 अगस्त है शायद। तो यहाँ आयोग जो है इन लोगों को जो भी उसके कॉलेज वगैरह जहाँ भी उनको सेंटर बनाना है उनको प्रस्ताव भेजेगा जुलाई के प्रथम वीक में। तो जैसे ही वो अनुमति प्रदान करेंगे, यदि परीक्षा की अनुमति इस समय पर मिल जाती है तो आपकी परीक्षा के लिए घोषणा निश्चित ही हो जाएगी 15 से 20 जुलाई तक, और यदि अनुमति नहीं मिलती है तो ये डेट जो है कैंसिल भी हो सकती है। अब संभावना ये बनती है कि क्या इसकी अनुमति मिलेगी, तो देखिएगा वो आपके यहाँ पर जिस तरीके से महामारी का प्रकोप है उसको देखते हुए अभी स्कूल खोलने की अनुमति शासन के द्वारा नहीं दी गई है। जैसे ही पहले आपके स्कूल खोलने की अनुमति दी जाएगी उसके बाद ही यहाँ पर स्कूलों से अनुमति मिलेगी ये परीक्षा कराने के लिए। तो इसकी संभावना यही है कि हो सक जहाँ तक मेरा विचार है ये 7 या 8 अगस्त को आपकी ना हो पाए, इससे 10 या 15 दिन की देरी हो सकती है, या हो सकता है कि कुछ और समय के लिए इसको परीक्षा को टाला जा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से काफ़ी बेहतर जानकारी आपको मिली होगी, यदि कोई कंफ्यूजन है तो